हेलो एवरीवन, नमस्कारम। मेरा नाम तारकिशोर ठाकुर है और फैक्ट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। फिटनेस की दुनिया में एक बहुत ही फेमस मिथ है, वह है कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू मसल, यानी कि शरीर के फैट का मांसपेशियों में रूपांतरण। आपने फिटनेस प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया में देखा होगा, लोग अपने बिफोर एवं आफ्टर की फोटोज पोस्ट करते हैं और आप सोच में पड़ जाते हैं यह कैसे पॉसिबल है। हम सभी मांसपेशियों को बढ़ाने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होने वाले लाभ के बारे में पहले से ही जानते हैं। एक्सरसाइज करने के दौरान शरीर में मांसपेशियों की क्षति होती है, तब हमारा शरीर बेहतर प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करके मसल्स को हुए डैमेज की मरम्मत के लिए सिग्नल भेजता है, प्रोवाइडेड कि शरीर को भरपूर और उचित भोजन दिया गया है। इस प्रोसेस को सुचारू रूप से करने के लिए ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट एवं फैट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फैट को कम करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि इसका उपयोग मांसपेशियों के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान होता है। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत सारे लाभ हैं, तो क्या यह सचमुच फैट को मसल्स में परिवर्तित कर सकता है? लेट अस ब्रेक इट डाउन। ट्राइग्लिसराइड से बना होता है, जिससे फैटी एसिड की तीन श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। ये फैटी एसिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। दूसरी तरफ मांसपेशियों के टिश्यूज अमीनो एसिड से बने होते हैं, जिनकी पूरी तरह से एक अलग संरचना होती है। अमीनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन और फैट आपस में बहुत आकर्षित रहते हैं, जिसके कारण प्रैक्टिकली फैट का मांसपेशियों में बदलना संभव होता है। और इंटरेस्टिंगली, शरीर में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा एमिनो एसिड को नाइट्रोजन मुक्त यौगिकों से बनाया जा सके, इसलिए नाइट्रोजन की आपूर्ति करना ही मांसपेशियों के निर्माण करने का एकमात्र तरीका होता है। और यही कारण है कि मसल्स के निर्माण के लिए प्रोटीन का पर्याप्त सेवन अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें एमिनो एसिड युक्त नाइट्रोजन होता है। इसलिए हालांकि वेट लिफ्टिंग करने से मसल्स का निर्माण और फैट लॉस किया जा सकता है, परंतु इन्हें दो अलग अलग परिणामों के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि एक दूसरे के लिए होने वाले परिणामों के रूप में। धन्यवाद।